ओके गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिहाइंड द सीन्स। सो अगर आप लोगों को नहीं पता है, मैं मेन चैनल पे हर वीक एक वीडियो डालता हूँ। सो एक वीक में मैं वीडियो बनाता कैसे हूँ और पूरे जो है उसके बिहाइंड द सीन्स इस वीडियो में मैं डालने वाला हूँ। और इस वीक जो है हम वीडियो डालने वाले हैं इस रैम टाइप ऑफ मॉडल की। ये रैम पिकअप ट्रक है डॉज की तरफ से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपको अच्छा लगेगा बिहाइंड द सीन्स देखकर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो इस वीडियो में मैं यूज करने वाला हूँ 3 ट्रक्स और उसमें से एक मैंने भेजा था केरला एलईडी लाइटिंग मॉडिफिकेशन के लिए और वो आज डिलीवर हो गया। सो उसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। मेरे फ्रेंड है विनीत, वो इन डाइकास्ट मॉडल्स में एलईडी मॉडिफिकेशन करते हैं और काफी अच्छा उनका वर्क है। यहाँ पर आपको हेडलाइट, टेल लाइट्स, इंडिकेटर्स, डीआरएल सारी चीजें मिलती हैं स्विचेस के साथ और रिचार्जेबल ऑप्शन के साथ जो आप रिचार्ज कर सकते हैं नॉर्मल एंड्रॉयड चार्जर से। अगर आपको अपने डाइकास्ट मॉडल्स में ये एलईडी लगवानी है तो मैं आपको उनकी ईमेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उनको वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो ये लाइटिंग काफी अच्छी एक रियल लुक देती है वीडियो में। सो ये था पहला ट्रक लाइटिंग के साथ और सेकंड ट्रक है ऑफ रोड सीन्स के लिए। तो यहाँ पर मैं जितने भी ऑफ रोड सीन्स होते हैं मेरी वीडियोस में वो सारे शूट करता हूँ। ये एक ऑफ रोड ट्रैक टाइप का है। जितने भी मडी ऑफ रोड सीन्स हैं वो मैं इस ट्रक के साथ शूट करने वाला हूँ और जितने भी मूविंग सीन्स हैं वो मैं शूट करता हूँ थ्रेड के साथ या फिर मॉडल को पुश करके रिकॉर्ड करता हूँ। मूविंग सीन्स और ऑफ रोडिंग सीन्स काफ़ी रीटेक्स के बाद जो है अच्छे खासे आते हैं। कुछ मिनी 2-3 सेकेंड्स की 300-400 वीडियोस के बाद 7-8 अच्छे सीन्स मिलते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं अनबॉक्सिंग की और अनबॉक्सिंग मैं करता हूँ कैनन G7X Mark II से। कोई स्मार्टफोन से नहीं, कैमरा से ही। काफ़ी एक बेसिक पार्ट है वीडियो का। सो अनबॉक्सिंग के बाद हम एक और चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो है डायरामा। सो एक मिनिएचर 1x24 विला डायरामा जो कि हम इस वीडियो में इंक्लूड करने वाले हैं। अभी पूरी तरीके से ये बना नहीं है, अभी मेरे डैड इसको बना रहे हैं। इस वीडियो में मैं एक छोटा सा टाइम लैप्स इंक्लूड करने वाला हूँ इसकी मेकिंग का। अगर आपको देखनी है फुल वीडियो डिटेल मेकिंग की, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये मिनिएचर डायरामा जो है वीडियो को एक रियल लुक देने में काफ़ी हेल्प करते हैं। गाइस, हो गया है हमारा मिनिएचर हाउस रेडी। और अगर आपको भी अपने डाइकस के लिए डायरामा बनाना है और जाना है क्या मटेरियल्स और साइजेस हम यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी डिटेल मेकिंग वीडियो, आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको उस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी। और अब हम इस डायरामा को रखने वाले हैं ऊपर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर हम आगे की शूट करेंगे। और अब कुछ फाइनल सीन सिनेमेटिक सीन्स रह गए हैं। ये है पूरा सेटअप, डायरामा मॉडल्स मैंने रख दिए हैं और एक्सटेंशन बोर्ड के थ्रू डायरामा की लाइट्स कनेक्टेड हैं। और ये मेनली मैं शूट करता हूँ स्मार्टफोन पे और स्मार्टफोन कैमराज आजकल काफ़ी अच्छे हो गए हैं। वाइड एंगल, लो एंगल, स्लो मोशन, स्टेबलाइजेशन भी आपको काफ़ी अच्छी स्मार्टफोन में मिलती है। सो अब जो है मैं कुछ फाइनल सिनेमेटिक सीन्स लेने वाला हूँ। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये बिहाइंड द सीन्स वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पर @miniature_automobiles। सो जय हिंद, वंदे मातरम।